हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं या इस चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये फिज़िकल एजुकेशन का 12th यूनिट है जो कि मैं आपको बताऊंगा और इसके रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने प्रीवियस जो है पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं बाकी चैप्टर्स के, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपके और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टडीज़, उन सब के भी नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और ये इंग्लिश में है, हिंदी की भी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे इसलिए। तो हिंदी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर भी सारी चैप्टर्स के जो रिवीजन नोट्स है वो अपलोडेड है पहले से ही, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। सो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जैसे इस चैप्टर के देखेंगे वो। पहला जैसे स्ट्रेंथ, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेटिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। सेकेंड है एंड्योरेंस, आपका डेफिनेशन हो गया, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप एंड्योरेंस। और फिर उसके बाद है स्पीड, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेवलप स्पीड। फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, डेफिनेशन एंड टाइप्स। फिर आपका सर्किट ट्रेनिंग एंड हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पहले देखते हैं हम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हो गया। फिर आपका एंड्योरेंस, तो एंड्योरेंस एन एबिलिटी टू कंटिन्यू एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी फैटिक। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी एक्टिविटी को करते रहना, तो यही आपका एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, और एक होता है एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। दो टाइप के, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी आपका होता है बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका स्पीड एंड्योरेंस, ड्यूरेशन 45 सेकंड्स का स्प्रिंट जैसे होता है। फिर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस 800 मीटर वाला, फिर मिडिल टर्म एंड्योरेंस 1500 मीटर वाला, और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो आपका 5000 मीटर से 10000 मीटर क्रॉस कंट्री मैराथन भी होती है। उसके बाद है आपका स्पीड। स्पीड, इट इज़ द एबिलिटी टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम। ये होता है आपका रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेप्टेशन एबिलिटी, स्पीड ऑफ फिजिकल मूवमेंट, लोकोमोटर एबिलिटी, एंड्योरेंस स्पीड। फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू मूव हिज और हर जॉइंट इफेक्टिवली थ्रू अ फुल रेंज। कितनी रेंज तक वो जॉइंट्स को मूव कर सकता है। आपका होता है इसमें फ्लेक्सिबल, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है द एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट स्पीड विद एन एक्सटर्नल हेल्प ऑफ पार्टनर। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट विद एनी एक्सटर्नल हेल्प, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं दोज एबिलिटीज़ आर दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रॉपर्टीज एज वेल एज एफिशेंटली। तो इसमें है आपका जैसे ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, अडेप्टेशन एबिलिटी और डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। फिर आपका सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। इट टारगेट्स स्ट्रेंथ बिल्डिंग और मस्कुलर एंड्योरेंस। इम्पैक्ट ऑफ सर्किट ऑफ ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग मेथड हैज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन अ ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के ऊपर ये फॉलोइंग इफेक्ट होते हैं। इट इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज सच एज जंपिंग रोप, जॉगिंग एक्सेट्रा। इट इम्प्रूव जनरल फिटनेस बाय इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। VO2 max improves, this means that the body can take in more oxygen to be utilized by the muscle. Improves oxygen consumption by muscle.
सर्किट ट्रेनिंग इम्प्रूव्स मसल स्ट्रेंथ बट इट डज नॉट इम्प्रूव मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज आर पुशअप डम्बल्स एक्सेट्रा. इट इम्प्रूव्स मस्कुलर एंड्योरेंस बट सर्किट ट्रेनिंग अलॉन कैन नॉट ट्रेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर द टॉप परफॉर्मेंस. फिर आपका सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जैसे है रनिंग ऑन द स्पॉट, थ्रोइंग मशीन बॉल, मेडिसिन बॉल एंड कैचिंग इट अगेन 15-20 टाइम्स, स्प्लिट्स, स्क्वाट्स, जंप्स 15-20 बार, कैरिंग वेट ऑफ और पार्टनर ऑन शोल्डर 30-50 मीटर्स, चिन अप्स 5-10 टाइम्स, 50 मीटर रन विद सब मैक्सिमम स्पीड, पुशअप्स 10-20 टाइम्स, स्टैंडिंग जंप 10-20 टाइम्स, सिटअप्स फ्रॉम सुपाइन पोजिशन 10-20 टाइम्स, रोप स्कीपिंग 1-2 मिनट्स, डिप्स 15-20 टाइम्स, हाफ स्क्वाट विद वेट, फिर रोप क्लाइंबिंग वंस और ट्वाइस टू परफॉर्म बेंच प्रेस एंड 15 है जैसे बेंच प्रेस इन सिटिंग पोजिशन. फिर आपका हाई एल्टीट्यूड. हाई एल्टीट्यूड मीन्स डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम सी लेवल से. हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सन एट हाई एल्टीट्यूड टू एनहेंस देयर पोटेंशियल मोस्टली एंड्योरेंस. एथलीट्स यूज्ड दिस ट्रेनिंग मेथड. हाई एल्टीट्यूड इम्पैक्ट बेनिफिशियल और नेगेटिव. तो क्या क्या इसके बेनिफिट और नेगेटिव पॉइंट है. तो इंक्रीज इन एंथ्रोप्रोटीन हार्मोन बेनिफिशियल जो है, इंक्रीज इन RBC काउंट, इंक्रीज इन RBC साइज, इंक्रीज इन VO2 मैक्स, इंक्रीज लंग्स साइज, इंक्रीज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेज. और नेगेटिव क्या है, स्ट्रेस ऑफ एन एनवायरमेंटल हाइपोक्सिक नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, मोर स्ट्रेस हार्मोन कॉस्टिसो, लॉस ऑफ मसल्स मास बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट. बेनिफिशियल और नेगेटिव जो है, इंक्रीज इन एंथ्रोप्रोटीन हार्मोन, इंक्रीज इन RBC, इंक्रीज इन RBC साइज, इंक्रीज इन VO2 मैक्स, इंक्रीज लंग साइज, इंक्रीज लैक्टिक एसिड वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रेस ये वही चीज़ है ऊपर लिखी हुई थी, रिप्रिंट हो गया है. तो ये इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन टाइप था. आप इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और साथ ही साथ ही इसको शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ. तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे इसमें कंटेंट्स जो हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड और आपके बहुत काम आने वाले हैं. तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए. कीप सपोर्टिंग.